गया। आप मौत के मुंह में सोए हुए हैं? हाँ, सो रहे। ऐसा क्यों करते हैं? आपको अपने जान, अपने जीवन से आपको प्यार नहीं है? प्यार है, यहाँ कमाते हैं इसलिए सो रहे। इन लोग का अगर जगह दीजिएगा ना, दिलों खिना के रखे करेगा, लेकिन इन लोग का आदत है कि उस व्यवस्था पे किसी और आदमी को रखेंगे ताकि वहाँ से कुछ पैसा आ जाए। नमस्कार, मैं हूँ आपका नाइट रिपोर्टर सुधाकर और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन पर। देखिए, इस वक्त घड़ी में रात 12 बज रहे हैं और अभी हम पटना के GPO गोलम्बर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि देखिए, अचेत रूप से बहुत सारे लोग यहाँ पर सोए हुए हैं। अब जरा सा भी देखिए, बहुत सारे देखिए, ये जो रोड है, हमारे कैमरामैन सहयोगी से दिखाएं, देखिए ये जो रोड है इस पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत सारे बसें आएंगे जाएंगे, बहुत सारे ऑटो आ रही हैं, बहुत सारे कार आए। अगर किसी भी कार का, किसी भी गाड़ी का जरा सा भी स्टीयरिंग हिला तो जो गाड़ी है सीधे इन लोग पर चढ़ जाएंगी, और इन लोग पर चढ़ जाने के बाद इनका क्या स्थिति होगा आप कल्पना कीजिए। सुनिए ना, सुनिए, देखिए ये जो रोड है, ये मेन रोड है, देखिए ऑटो आ रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं, यदि गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी आप पे तो क्या बात बताते हैं? सुनिए ना, यहाँ पर क्यों सोए हुए हैं आप? यहाँ कमाते हैं इसलिए सो रहे हैं। कहाँ कमाते हैं? नहीं कमाते हैं, यहीं रहते हैं हम, दतवन बेचते हैं। क्या करते हैं? दतवन बेचते हैं। दतवन बेचते हैं, तो अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी गाड़ी यहाँ पर आता है जाता है, थोड़ा सा भी गाड़ी का स्टीयरिंग हिला तो सीधे गाड़ी यहाँ पे चढ़ जाएगी? सुनिए ना, एक बात सुनिए ना, बताते हैं खतरा कहाँ नहीं है। आप रोड पार करते हैं उसमें खतरा नहीं है तो है कि नहीं? तो आप जहाँ सोए हुए हैं यहाँ ज्यादा खतरा है? हम जो सवार कर रहे हैं वो आप जवाब दीजिए, रोड पार कर रहे हैं उसमें खतरा है कि नहीं? आपके लिए सरकार ने बसेरा बनाई है ना? हम जो कह रहे हैं सुनिए, सरकार बनाओ चाहे मत बनाओ, आप रैन बसेरा में क्यों नहीं जा रहे हैं? शेल्टर होम में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके लिए तो सरकार व्यवस्था करके रखी है। हमको मालूम नहीं है, तो हम कहाँ से? आपको पता नहीं है रैन बसेरा कहाँ है? कुछ देखिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का इसमें लापरवाही सामने आ रही है, इनको पता ही नहीं है कि शेल्टर होम कहाँ है, रैन बसेरा कहाँ है। आप यहाँ पर ठेला पर क्यों सोए हुए हैं? काम करते हैं यहाँ पे बगल में, काम करते हैं। तो काम करते हैं तो रैन बसेरा, शेल्टर होम या फिर आपका अपना आवास नहीं है? नहीं, गोदाम है, गोदाम है तो गाड़ी आने के लिए हम लोग हैं। अच्छा, देखिए ये जो मेन रोड है, ये देखिए तमाम सैकड़ों गाड़ियाँ रात में यहाँ से गुजरती हैं, थोड़ा सा भी ड्राइवर का कंट्रोल गाड़ी पर से हटा और सीधे गाड़ी आप पे चढ़ जाएगी, आप घायल हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके बीवी होंगी, कितना परेशानी में पड़ जाएंगी। जी, बात तो सही है। तो फिर इस तरह से आप लोग क्यों मतलब यहाँ पर सोए हुए हैं? गाड़ी आने वाला है, गाड़ी आने वाला आप है। तो व्यवस्था दिया गया है लेकिन यूज नहीं करते। क्या इन लोगों को व्यवस्था तो दिया गया वही होगा सोने क्यों का? यूज नहीं करते हैं? देखिए थोड़ा अभी आप ही बाइक से आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं ना, और थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल बाइक से हटा तो सीधे गाड़ी इन पर चढ़ जाएगी, एकदम चढ़ जाएगी। इनकी या तो घायल भी हो सकते हैं, इनकी मौत भी हो सकती है, एकदम घायल हो सकते हैं। लेकिन इन लोग का आदत है कि उस व्यवस्था पे किसी और आदमी को रखेंगे ताकि वहाँ से कुछ पैसा आ जाए। नहीं नहीं, शेल्टर होम जो है या फिर रैन बसेरा है जो सरकार अवेलेबल कराती है इन लोगों के लिए, रेंटर लगाते हैं उसमें भी रेंटर लगाते हैं ताकि वो लोग इन्हें पैसा दें, लोग तो अपना आदत हो गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करके बहुत महंगे होटल में अपना रात बिताते हैं, चैन की नींद सोते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को देखिए मौत के मुंह में सो रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी ड्राइवर का मिस्टेक हुआ, देखिए सैकड़ों गाड़ियाँ इस रोड से जाती हैं, जरा सा भी ड्राइवर चुका तो इनका सीधा इन ये लोग घायल हो जाएंगे, मौत हो जाएंगे। आप जो यहाँ पर सोए हुए हैं, हाँ, क्या नाम हुआ? शकील। क्या करते हैं आप? मालिक के काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गाड़ी आता है उतारते हैं। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं, बेलदारी वाला काम, बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, आप यहाँ पर भैया सोए हुए हैं, अगर गाड़ी का थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर ड्राइवर चूक गया तो सीधे गाड़ी आप पे चढ़ जाएंगे कि नहीं? चढ़ जाएगा। आप मौत के मुंह में सोए हुए हैं? हाँ, सो रहे। ऐसा क्यों करते हैं? आपको अपने जान, अपने जीवन से आपको प्यार नहीं है? प्यार है, आपको अपने जीवन से प्यार है, बावजूद इसके आप मौत के मुंह में सोए हुए हैं। सोए हुए नहीं, अपने बच्चों को आप दिक्कत में डालना चाहते हैं? हम सोए हुए नहीं है, हमारा गाड़ी आने वाला है इसलिए हम सोए हुए। आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं, ठीक है, आप सोए हुए नहीं है, आप सोए हुए नहीं, हम मानते हैं आप यहाँ आराम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी जो आएगी उसका जो कंट्रोल खो जाएगा तो वो नहीं, गाड़ी नहीं देखेगी कि आप आराम कर रहे हैं कि सो रहे हैं, वो तो सीधे आप चढ़ जाएगी, घायल हो जाएंगे आप।
बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आप घायल हो जाइएगा तो आपके बच्चे के पास उनको प्रॉब्लम होगा कि नहीं? आपका इलाज कराना, ये कराना, बहुत सारा चीज दिक्कत हो जाएगी। तो है, सही बात है। तो आप बताइए, अब कल से यहाँ पर नहीं ना बैठिए? कल से यहाँ पर न जाना आएगा, कल से बाउंड्री के ऊपर टी रहेंगे। बाउंड्री को पक्का ना, वादा कर रहे हैं ना आप? वादा कर रहे हैं और क्या। देखिए, क्या नाम हुआ, क्या नाम बताया? मोहम्मद शकील। देखिए, ये मोहम्मद शकील जी हैं, ये अगल बगल कहीं काम करते हैं। और अच्छा, आपको ये पता है जो हमारी जो सरकारें हैं वो शेल्टर होम अवेलेबल कराती हैं, फिर रैन बसेरा अवेलेबल कराती हैं? नहीं पता है। आप कहाँ सोते हैं वैसे? हम लोग ऑफिस में सोते हैं। ऑफिस में सोते हैं, प्लाजा में। देखिए, भैया ने वादा कर दिया है कि ये अभी सो नहीं रहे थे, यहाँ पे आराम कर रहे थे, लेकिन कल से ये यहाँ पर आराम भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आराम का जगह नहीं है, ये मौत का जगह है। यहाँ पर आराम करने का मतलब है, यहाँ पर सोने का मतलब है कि मौत के मुँह से खिलवाड़ करना, अपने जीवन से खिलवाड़ करना। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइन से सोए हुए हैं, बहुत सारे लोग लाइन से सोए हुए हैं, इनको शायद अपने जीवन से इनको प्यार नहीं है, और इनको यदि कुछ होता है तो ये लोग कल सरकार से ही मुआवजा मांगेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये लोग सारा कुछ जानकर भी ऐसा मजाक अपने जीवन के साथ क्यों करते हैं, और राज्य सरकारें, जिला प्रशासन क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई, ये लोग जो अभी सोए हुए हैं, क्यों सोए हुए हैं यहाँ पे? सब गरीब है, लोग कहाँ जाएगा? तो गरीब है तो इसके लिए तो शेल्टर होम या फिर रैन बसेरा सरकार अवेलेबल कराती है ना आप लोगों के लिए? जी, सरकार नहीं कुछ कराती है। जी भैया, सरकार कुछ करने की बात है, अवेलेबल नहीं है आप लोग के लिए? नहीं, रैन बसेरा है ना? कुछ भी नहीं दिया सर, कुछ भी नहीं है। शेल्टर होम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रैन बसेरा दिया क्या भैया? आइए, कुछ रैन बसेरा दिया है, रैन बसेरा दिया है। हाँ। फिर भी देखिए ये जो सड़क है, देखिए हमारे सहयोगी से दिखाइए, देखिए ये जो सड़क है, थोड़ा सा भी ड्राइवर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेगा तो सीधे गाड़ी इन लोग पर चढ़ जाएंगी। ये देखिए, महिला है, किसी की माँ होगी, किसी की पत्नी होगी, और इनका जान चला जाएगा। तो आखिर बेखौफ तरीके से ये लोग अचेत रूप से कैसे सोए हुए हैं खुले आसमान के रूप से सोए हुए हैं? जो इंडिया में आबादी ज़्यादा है, इस सबको कोई वैल्यू है? कीड़ा मकोड़ा है, इस सब कीड़ा मकोड़ा है, ये इंसान है, कीड़ा मकोड़ा नहीं है ये लोग। बड़े लोग के लिए कीड़े मकोड़े हुए ना, कोई साधन नहीं दे रहा, जितना फंड आता सब निकल जाता अपने। हाँ। तो आप जानते नहीं है, पूछ रहे हैं। हाँ। तो ये लोग के लिए कोई व्यवस्था है? खाली मतलब ये लोग भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे हैं। तब और क्या, भ्रष्टाचार के भेंट नहीं चढ़ रहा, इसको उंगली पकड़ के ले जाना है, और इसको जो क्या बोलते रहे बना है अनाथ आश्रम जो बना, नहीं ये क्या नहीं बना, ठंडा में जो बनता रहे, जो सबको घर बना के ठंडा में देता है, रैन बसेरा बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन ये लोग जाता नहीं है, ये लोग उस जगह तक पहुंच नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच पाता? इन्हीं लोग के लिए रैन बसेरा बना हुआ है, क्योंकि ये भारत है, एक माया नगरी है, ये भारत माया देश है, और हर इंसान चाहता जो लगाव हो जाता है एक जगह से। देखिए, हम लोग को बातें करते सुनकर एक ऑटो वाले भैया रुके हैं, भैया आप जाइए मत, देखिए यहाँ पर आपके अधिकारों का बात है, आपको बोलना पड़ेगा आज, हमेशा आप चुप रहे हैं, जिसका खामियाजा देखिए इन लोगों को। देखिए, आप यहाँ ऑटो चला रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा, देखिए नाइट का समय है, भागिए मत, नाइट का समय है, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा भी स्टीयरिंग इधर उधर हिला ना तो सीधा गाड़ी इन लोग पर चढ़ जाएगी। चढ़ेगी कि नहीं बोलिए? तो चढ़ जाएगी ना। अच्छा, हर जाने के बाद इनका क्या स्थिति होगा? वही होगा, डैमेज होगा, डैमेज हो जाएगा ना। अगर भाग साथ नहीं रहा, दुर्भाग्य रहा, तो ये लोग मतलब इन लोग की मौत भी हो सकती है। तो कौन जिम्मेवार है इसके पीछे? ये लोग अपने आप गलती कर रहा है, ये लोग अपने कहाँ जाएगा, देखिए कहाँ जाएगा ये लोग। देखिए, खुले आसमान में फुटपाथ पर ये लोग सोया हुआ है, इन लोग के पास अपना घर नहीं है, कहाँ जाएगा? क्या कहेंगे इस पे आप? हम क्या कहें? आप कहाँ सोते हैं रात में? हम तो अपने घर पर जाते हैं। आपका घर है? तो आप देख सकते हैं ना, ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं, इनका भी कहना है कि रैन बसेरा है, लेकिन ये लोग, इनके लिए रैन बसेरा नहीं बना हुआ है। अब क्यों नहीं बना हुआ है, मैं रैन बसेरा में जाऊंगा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, आखिर ये लोग जो खुले आसमान के रहेगा ढंग से नहीं ना, ये लोग का रहने का ढंग से है ये नहीं कि रह सकता है, ये लोग का अगर जगह दीजिएगा ना तो ये लोग घिना के रखबे करेगा। देखिए, असियाना उसके लिए तो सरकार स्टाफ अवेलेबल कराती है, साफ का गलती हम इसमें सरकार का गलती नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, सरकार का गलती नहीं, जिला प्रशासन अभी इन लोग को उठाता तो ये लोग जाते कि नहीं रन बसेरा में? नहीं जाते, जेबे नहीं करेगा, लोग के कदम ले जाए तो नहीं जाएगा, लोग जहाँ जहाँ सुविधा है वजह रहेगा लोग।
यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ सुविधा है नहीं। अच्छा, इनको जान का डर है कि नहीं यहाँ पे? जान का डर रहता था ये लोग सुत्ता रोड पर। देखिए वो नहीं आदमी सुत्ता है, ये लोग जान के रोड पर सुता है। देखिए इनका बच्चा होगा, इनकी वाइफ होंगी, इनको जान का डर नहीं है। देखिए एक भैया जो, देखिए हमारे सहयोगी से दिखाइए, हमारे सहयोगी दिखवा दिखाइए। देखिए एक भैया, देखिए मच्छरदानी में बिना मतलब पंखा हाँक रहे हैं। बात सही है आपका कहना से, मगर ये लोग का व्यवस्था दीजिएगा तो व्यवस्था में लोग रहेगा नहीं ना। सरकार तो कहती है ना कि हमने शेल्टर होम अवेलेबल कराया, हमने रैन बसेरा अवेलेबल कराया, बनाया हुआ कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है। जाकर देखिए वो उसमें सुता है, एगो नहीं सोता है, लोग एगो नहीं सोता है, नहीं सोता। इसमें सरकार का दोष क्या हम लगाएंगे? सरकार गलती करेगा तब ना सरकार को हम बोलेंगे। सरकार गलती कर ही नहीं रहा था, हम कैसे बोलते हैं सरकार तो गलती कर। इनकी जो मौत होगी, अभी गाड़ी चढ़ जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो इसके पीछे ही यही जवाब दे, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो और का और कौन है? और कौन है? जानबूझ के अगर मौत के मुँह में हम बैठते हैं, हम जाने कि मौत के मुंह में बैठेंगे तो हम जेबे करेंगे जी। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है कि यदि हमको पता है कि ये रोड है और रात की बहुत सारे गाड़ियां इस रोड पर चलती हैं, बावजूद इसके हम अचेत रूप से यहां पर सोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना ही पड़ेगा।